चीन और अमेरिका में अरसों से तनाव बना हुआ है। कारण है साउथ चाइना सी। कभी सीमा विवाद तो कभी अपनी विस्तारवादी नीतियों से दुनिया भर की जमीन हड़पने के आरोपी चीन को अमेरिका से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। चीन ने फिर से एक ऐसी हरकत कर दी है जो अमेरिका को फूटी आंखों नहीं सुहाई। अमेरिका किसी भी लिहाज से चीन की इस करतूत को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक चीनी लड़ाकू जेट विमान ने साउथ चाइना सी के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ान भरते हुए अमेरिकी सेना के प्लेन को आक्रामक रुख दिखाने की कोशिश की, लेकिन अपने लड़ाकू जेट और बमवर्षक विमानों का जोर दिखाने वाले चीन को अमेरिका ने ऐसा झटका दिया है कि उसका दिलो दिमाग ठिकाने आ गया है। बस इसी के बाद चीन ने बौखलाहट में अमेरिका को चेतावनी दे डाली है, लेकिन अमेरिका को चीन की किसी गीदड़ भभकी की कोई चिंता नहीं है। तो बता दें कि साउथ चाइना सी को लेकर चीन और ताइवान में अरसों से विवाद चलता आ रहा है। विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका ने अपने नेवी को साउथ चाइना सी में तैनात किया। अब चीन को जलाने के लिए अमेरिका ताइवान के साथ एक अहम और महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता करने वाला है, जिससे चीन तिलमिला उठा है और चीन ने अमेरिका की कड़ी आलोचना कर डाली है। चीन ने तो साउथ सी के जरिए आधिकारिक संपर्क बंद करने तक की बात कह दी है, जबकि चीन इस पर अपना अधिकार जताता आया है। लेकिन अब चीन का दोगलापन सबके सामने उजागर हो गया है। चीन के हाथ कुछ नहीं लगा तो अब चीन ने अमेरिकी फाइट जेट को आंख दिखाने की कोशिश की है। अमेरिकी सैन्य कमांडर ने कहा कि चीनी J-16 प्लेन ने 26 मई को अमेरिकी विमान के सामने कलाबाजी दिखाई, जिसकी वजह से USRC-135 प्लेन को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और अमेरिकी फाइटर प्लेन चीनी सीमा के बाहर था। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया है। चीन ने अमेरिका को इस उकसावे की कार्रवाई को तुरंत बंद कर देने की बात कही है, लेकिन चीन के इस कड़वे रवैये के बाद अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं है। देखना होगा कि यूएस अब चीन को मजा चखाने के लिए क्या रणनीति अपनाता है।